अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहबिही व मन वला। अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद, हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज़। मन खशियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब, उदखुलूहा बिसलामिन ज़ालिका यौमुल खुलूद, लहुम मा यशाऊना फीहा व लदैना मज़ीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्लाह की तरफ शौक़। अच्छा, कनेक्टिंग विद माय प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें एक बात जो हम लास्ट लेक्चर में जिक्र की थी कि अल्लाह की तरफ उनसियत, अल्लाह से दिल लगाना, अल्लाह की कंपनी में रहना, ये कैसे आएगा, यानी इसकी अहमियत और ये क्या होता है। सलफ़ सालिहीन, अम्बिया अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम, ख़ासतौर पर हमने इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह की बात की, ये क्या कैसी जन्नत हुआ करती जो उनके दिलों में थी कि जो वो अल्लाह से यारियां लगाते थे, अल्लाह से दिल लगाते थे, तो ये जन्नत है क्या और ये कब हासिल होती है। तो हमने एक बात जिक्र की थी कि ये कैसे हासिल होती है। फर्स्ट थिंग इज़ के स्ट्रगलिंग एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स और कंटिन्यूस मेहनत के साथ, स्ट्रगलिंग विद योर सेल्फ और ट्रेनिंग योर नफ्स और इन तमाम चीज़ों से, यानी कंटिन्यूस स्ट्रगल के साथ। वल्लज़ी जाहदू नफीना लनहदिया नमसूलना, ये हमने जिक्र किया था। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे जिक्र करनी है बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो ये है कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी हुक्म सुने हैं, तो ये ना देखें कि हाँ मैं कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, बुढ़ापे में कर लूँगा। जस्ट डोंट डिले इट, बिकॉज़ ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। ये कोई मेरे दोस्त का या मेरे कोई बॉस का या एम्प्लॉयर का, ये उनका नहीं, ये अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म है। और अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म, इसमें जल्दी करनी चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, इसमें जितनी जल्दी, यानी जहाँ आपको अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म, फ़ौरन आप उस काम को करने के लिए लपकें, जल्दी करें। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पूछा कि मूसा वमा अजलक अन कौमिका या मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम, अरे मूसा तुम अपनी कौम से इतना जल्दी जल्दी आगे क्यों आ गए, तुम्हारी कौम तो पीछे है, तुम कौम के साथ क्यों नहीं है, तुम आगे जल्दी क्यों आ गए। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, अजल तो इलैका रब्बी लतरफा, मैंने जल्दी किया है मेरे रब तेरी तरफ ताकि तू राज़ी हो जाए। आजल तो ले कर रबी ले तरफ़ा, तो जल्दी करना। अब मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी, यानी ये शौक़ था अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ रगबत थी। इसी तरह एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम, एक सहाबी जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मौके पर वो सहाबी जो थे अबू सईद मुअल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो एक मौके पर नमाज में थे मसरूफ़, और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनको बुलाया तो उन्होंने सोचा मैं अपनी नमाज़ कंप्लीट करके नबी अलैहिस्सलाम को जवाब दे देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब, यानी वो जब नमाज़ पढ़ के फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मैंने जब तुम्हें बुलाया तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। अब उसने ये कहा कि या रसूल अल्लाह मैं नमाज़ में था, यानी अब तो नबी अलैहिस्सलातु वसलाम ने कुरान की वो आयत पेश की कि क्या तूने वो अल्लाह ताला का वो फरमान नहीं सुना कि जब तुम्हें अल्लाह उसके रसूल बुलाएं तो तुम उनको जवाब दो। तो अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो एक इबादत में ही थे, लेकिन जहाँ पर अल्लाह के रसूल की आवाज़ आई तो अब यहाँ पर चाहिए, वो नफिल इबादत में थे, चाहिए तो ये था कि लबैक कहते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दें। तो इसका मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात मैं किसी ऐसी इबादत में होता हूँ और मैं ये समझ रहा होता हूँ कि मैं इबादत कर रहा हूँ अल्लाह के, अल्लाह उसके रसूल की बात को मान रहा हूँ, लेकिन वो इबादत का उस वक्त वो टाइम होता नहीं है, या उससे बेहतर चीज़ वेट कर रही होती है, या कोई और मसला होता है कि जिसको आपने पहले वो करना होता है। तो लिहाजा प्रायोरिटीज़ जो है ना, ये सेटिंग द राइट करेक्ट प्रायोरिटीज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दीन। मिसाल के तौर पर आप उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे कि एक शख्स है और मिसाल के तौर पर दर्स हो रहा है, या कोई शेख साहब जो है वो अल्लाह उसके रसूल की बात सुना रहे हैं, ठीक है। अब ऑडियंस में से कोई बैठ के जो है वो कुरान सामने पढ़ना शुरू कर देता है, अब वो तो ये सोचेगा कि भाई मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ने की बड़ी तदब्बर कर रहा हूँ, बड़ी बरकत है, लेकिन कुरान तो पढ़ रहा है, इट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू टू रिसाइट द कुरान।
ये कुरान पढ़ने का सही वक्त नहीं है, क्योंकि उस वक्त इल्म तअल्लुम का सिलसिला चल रहा है। आपको चाहिए कि बेहतर ये है कि आप उस मजलिस में बैठ के वो दर्स सुने, अल्लाह उसके रसूल की बात को सुने। बहरहाल मकसद बतलाना यह है कि ये जो प्रायोरिटीज़ कैसे हमने सेट करनी होती है, ये इल्म सिखाता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना, कि जो शख्स इल्म के रास्ते में निकलता है इल्म तलाश करने के लिए, दीनी इल्म, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और इससे वल्लाहु आलम ये बात समझ में आती है कि इल्म से जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है, यानी इल्म आपको शॉर्टकट बता देता है। देखिए जन्नत के रास्ते ये भी है, ये भी है, एक बड़ा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है। इल्म आपको शॉर्टकट बता देता है बाय सेटिंग द राइट प्रायोरिटीज़, यानी आपको ये बता देता है कि देखो ये रास्ता निभा लो इल्म, क्योंकि इल्म तो इल्म है ना, इल्म तो अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मारफत, और इल्म आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो इसलिए मेरी नसीहत रहेगी कि इल्म हासिल करना ये अपना मशगला बना ले, ये अपना पैशन बना ले, ये इससे कोई दुनियावी रुकावट नहीं आती। जो रोज़ नहीं हासिल कर सकता वो हफ्ते में दो दिन तीन दिन, या जो हफ्ते में दो तीन दिन नहीं कर सकता कम से कम हफ्ते में एक दिन, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मुमकिन है। तो जन्नत जो है ना, आपको सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द जन्ना, सबसे छोटा रास्ता जन्नत का, वो इसलिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ये वो सिखा देता है कि कब कौन सी इबादत कैसे कब करनी है। इल्म नहीं होता ना इंसान के पास, वो इबादतें करता जा रहा होता है, करता जा रहा होता है, हालांकि वो उसी टाइम में उससे बेहतर थोड़ी सी इबादत करता और अल्लाह का कर्ब हासिल कर लेता। खैर, तो ये तो एक ज़िमनन बात आ गई। तो बता ये रहा था कि यानी अल्लाह उसके रसूल की बात को फौरन लब्बैक कहना, अजिल तो ले कर रबी लतरवा मूसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह की तरफ जितने जाने या अल्लाह के अहकामात को बजा लाने के जितने अल्लाह ताला ने कुरान में अल्फाज उमूमन इस्तेमाल किए हैं, वसारिउ इला मगफिरति मिन रब्बिकुम, साबिकु सारिउ फफिरु, दौड़ो भागो, मुसाबकत करो एक दूसरे से, आगे बढ़ो एक दूसरे से, जल्दी के माना है, जल्दी करो, देर ना करो। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल का हुक्म जैसे ही आ जाए उसको देर ना करें, हाँ जी हम कर लेंगे, नहीं, फौरन से करें। अल्लाह ताला इस तरफ इस तलब इस तड़प को देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए उन्स बिल्लाह का दरवाज़ा खोल देगा। तो ये दो चीज़ें इंशाल्लाह ट्राई करनी, मुजाहदा, और जो हमने वो जो दुनिया की मोहब्बत और अमराज़ुल क़ुलूब और लोगों से क़ता ताल्लुक़ इन ए सेंस के लोगों की उबूदियत और लोगों की उबूदियत से अपने आप को काट लेना, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह करेगा तो इंसान की ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। अब वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अवर लास्ट टॉपिक इंशाल्लाह ऑफ द सीरीज़। और ये टॉपिक अल्लाह अकबर, ये गायत है, ये मकसद है, ये मतलूब है, ये मकसूद है, ये गोल है, ये विजन है, ये टारगेट है इंसान की जिंदगी, एक मोमिन का ये ख्वाहिश है, सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और वो क्या है? अश्शौक इला लिक़ाइल्लाह, अल्लाह से मुलाकात का शौक। तो मैंने आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस सफ़र इलाल्लाह पर, अल्लाह की तरफ जो सफ़र है, दुनिया से मोहब्बत को अपने आप को फारिग करना, और जो हमने सीक्वेंस हमने जिक्र किया था जितने, तो ये पूरा अल्लाह के तरफ सफ़र तय करने के नतीजे में इंसान को दो चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ इबादत में लज्जत और अल्लाह से लगाव, उन्स बिल्लाह, अल्लाह से उन्सियत, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली। दूसरी चीज़ अल्लाह से मुलाकात का शौक़ पैदा हो जाता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह से मुलाकात का शौक़ जिसको पैदा हो गया, वो अलग ही बंदा होता है, वो बंदा ही अलग होता है, वो मोमिन ही अलग होता है। अच्छा, ये मुलाकात का शौक़ जो है, क्या मतलब है शौक़ इल्लाह? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, एक बड़ी दुआ जिसका ये टुकड़ा है, वस अलुका लज़्ज़तन नज़्री इला वज्हिक व शौक़ इला लिक़ाइक, कि अल्लाह मैं तुझसे तेरे चेहरे के दीदार की लज्जत का सवाल करता हूँ और तेरी मुलाकात का शौक़। अब दो चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, एक चीज़ अल्लाह के चेहरे की दीदार की लज्जत, ये कब मिलेगी? ये जन्नत में मिलेगी इंशाल्लाह। और एक है उससे मुलाकात का शौक़, मुलाकात का शौक़ ये दुनिया में, ये दुनिया की जन्नत है, यानी दुनिया की जो जन्नत और दुनिया की सबसे आला नेमत अगर किसी को मिलती है तो वो शौक़ इला लिक़ाइल्लाह, अल्लाह से मुलाकात का शौक़, अल्लाह से मुलाकात की रग़बत, एक्साइटमेंट, इस उम्मीद पर, इस एक्साइटमेंट और इस शौक़ पर इंसान ज़िंदगी गुजार दे, ये दुनिया की जन्नत है, ये दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है, और आखिरत में सबसे बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह के चेहरे का दीदार है। तो
जो कुरान की आयत है, मन अमिला صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه, कि जो शख्स मर्द हो या औरत इस हाल में कि वो मोमिन होता है, नेक अमाल करता है, तो हम ज़रूर बिलज़रूर उसको हयात तय्यबा पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह इस आयत को ज़िक्र करके कई तफ़ासीर ज़िक्र करते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि हयात तय्यबा से मुराद अच्छा रिस्क है, बाज़ ने कहा नेक सालेह बीवी है, नेक औलाद है, अच्छी ज़िंदगी है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर आगे फरमाते हैं कि सबसे बेहतर बात यह, सही बात यह है कि हयात तय्यबा जो अच्छी ज़िंदगी है वो क्या है, ये अल्लाह के साथ उन्स, अल्लाह के अल्लाह से मुलाकात की शौक वाली ज़िंदगी, इस यानी लिविंग दिस एक्साइटमेंट, और लिविंग दिस एक्साइटमेंट यानी शौक की ज़िंदगी गुजारना, शौक की ज़िंदगी। इसके बारे में असलाफ का बड़ा कलाम मिलता है, बहुत कलाम है कि असलाफ किस तरीके से इस मुलाकात की शौक में अपनी ज़िंदगियां खपा देते थे, और यही वो शौक़ था कि असलाफ को रातों को खड़ा कर देता था, यही वो शौक़ था कि जो कुरान पढ़ने की तो यानी इससे हिम्मत आती है, व्हेन यू आर एक्साइटेड फॉर समथिंग यू डू इट, यू पुट योर एफर्ट, यू पुट योर होल लाइफ इनटू इट, व्हेन यू एक्साइटेड अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आप अगर किसी चीज़ के बारे में सबको यानी आपको पूरा फोकस सब सबसे आला और बड़ा ख्वाब है आपका, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप जान मार देते हैं, तो यही वो शौक़ है अल्लाह से मुलाकात का जो इंसान को रातों को क़याम करने पर आमादा करता है, दिन को भूखा प्यासा रोज़े की हालत में रहने पर आमादा करता है, अल्लाह के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करने पर आमादा करता है, लोगों की गालियाँ खा लेता है वो, लेकिन इस शौक़ को पर हर्फ नहीं आने देता। तो ये अल्लाह से मुलाकात का शौक़ क्या, एक्साइटमेंट, रगबत, शौक़ अल्लाह से मुलाकात का कि कल को। अच्छा, ये शौक़ क्यों आता है, शौक़ कब पैदा होता है, जब अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा शिद्दत मोहब्बत हो जाए, अल्लाह से उनसियत हो, जो हमने पिछले लेक्चर, अल्लाह से उनसियत हो जाए, अल्लाह से मज़ा आने लगे, अल्लाह से बातें करने, अल्लाह से यारी लगे लग जाए, अल्लाह से दिल लग जाए, अल्लाह से शिद्दत मोहब्बत हो जाए, तो अल्लाह तू मेरा सब कुछ, तेरे साथ मैं तुझे पुकारता हूँ, मुसीबत होती है तेरी तरफ रुजू करता हूँ, गुनाह हो जाता है तेरी तरफ आता हूँ, अल्लाह तू ही मेरी पनागा, तेरी तरफ़ फ़रार होता हूँ, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सबसे बड़ा महबूब आला, महबूब अव्वल, सबसे बड़ा महबूब, सबसे ज़्यादा तुझसे डरता हूँ, तेरी पकड़ से डरता हूँ, जब तू मैं मतलब आई एम ऑल योर्स अल्लाह, जब ये वाली कैफियत आती कि अल्लाह मैं पूरा तेरे लिए हूँ, तो भाई अल्लाह तुझसे मुलाकात भी करनी है, तुझे देखना भी, यही वो मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम को लज़्ज़त मिल गई, अल्लाह ताला की इंसियत थी, रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैका, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ कर दी, अल्लाह दिखा दे अपना आप, मैं तुझे देखूँ, आई वॉन्ट टू सी यू, अपना आप दिखा दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू मुझे नहीं देख सकता इस दुनिया में, आखरत में है ये, तो ये मुलाकात का शौक़ है। यानी तो जब इंसान किसी से बहुत मोहब्बत करता है ना, वो उसका सब कुछ हो जाता है, जान माल औलाद माँ बाप सब निछावर कर दे उस पर, इतनी मोहब्बत, तो उससे मुलाकात का शौक़, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमन काना यरजू लिका अल्लाह फइन्ना अजल अल्लाह लआत, अल्लाहु अकबर, इतनी बेहतरीन आयत है कि जो शख्स अल्लाह से मुलाकात का उम्मीदवार है तो बस अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त आने वाला है। इब्न अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह इस आयत को ज़िक्र करके कहते हैं कि ये मुश्ताकीन यानी जो अल्लाह से मुलाकात के शौक़ रखने वाले हैं उनके लिए एक तसल्ली है, गोया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे, मैं जानता हूँ तुम उससे मिलने को कितना बेकरार और बेचैन और उसके लिए इंतज़ार कर रहा है, तू कितना शौक़ रखता है मेरे से मुलाकात और मुझे देखने का, मैं जानता हूँ, बस सब्र कर, फ़इन्ना अजल अल्लाह लआत, बस अल्लाह का मुकर्रा करदा वक्त है, ये वक्त इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी, तू मुझे देखेगा, तू मेरे चेहरे को देखेगा, तू मेरे चेहरे का दीदार करेगा, ये तसल्ली, वल्लाही वल्लाही मन काना यरजुलका अल्लाह फ़इन्ना अजल अल्लाह लआत, यकीन है वो वक्त आने वाला है। तो इस एक्साइटमेंट में जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है ना, यानी हाउ डू आई कन्वे डिलीवर दिस थिंग, कि ये एक्साइटमेंट वाली ज़िंदगी कैसी होती है, देखें एक
इसको हम दुनिया की मिसाल से समझते हैं। एक तो यानी मिसाल के तौर पर आपका बॉस आपको कहे, या अगर नौजवानों के लिए मिसाल दें तो जो नौजवान हैं नेक्स्ट मंथ उनका उनकी मैरिज डेट है, शादी की डेट है। अब वो जो ये जो महीना जो इस शादी की डेट से महीना पहले जो गुजारेगा ये गुजारेगी, अब वो एक्साइटमेंट होगी कि शादी होने वाली है, निकाह होने मैरिज। अब वो एक एक्साइटमेंट का पीरियड होगा, वो एक अलग ही ज़िंदगी होगी उसकी, शौक, इसको कहते हैं शौक वाली ज़िंदगी, लाइफ ऑफ शौक, लाइफ ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये शौक वाली जो ज़िंदगी ना, इसका एक अलग मज़ा होता है। फिर जब लाइफ आफ्टर मैरिज, वो भी एक अलग ज़िंदगी, वो अलग चीज़ है। इसी तरह मिसाल के तौर पर आपका बॉस आपको कहे कि देखो नेक्स्ट ईयर यू विल बी प्रमोटेड, आपको प्रमोशन मिलेगी और आपको मालदीव्स में एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट मिलेगा जिस जहाँ पर आप रहोगे काफ़ी टाइम, और इसमें आपके लिए हर अय्याशी मौजूद है, खाना पीना, सर्वेंट्स और ब्रांड न्यू कार्स, जूल, हर चीज़ मौजूद है, यानी एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। अब वो जो एक साल का पीरियड होगा आपका, वो एक्साइटमेंट वाला पीरियड, यानी यू विल बी डैम एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग कि यार ये अब उस शौक में आप जिंदा। अब आपको क्या है, उस एक साल में आपको कुछ तकलीफ़ भी आ रही है, कोई मसला भी होगी आपके साथ या कुछ हो, तो वो तकलीफ़ आपको छोटी लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपके जहन में वो चीज़ चल रही है कि बस एक साल होने तो यार थोड़ा सा टाइम है, एक साल में तो फिर अय्याशी लगेगी, फिर पार्टी सीन है, फिर बेहतरीन सीन चलने का, फिर मतलब लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। तो आप ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करेंगे कि ये एक्साइटमेंट पीरियड है कि आपको एक साल बाद वो फुल अय्याशी और पार्टी सीन मिलने वाला है, और वो भी हमेशा के लिए। क्या ख्याल है? इससे बड़ी लज्जत, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि आपको अल्लाह के चेहरे का दीदार, अल्लाह से मुलाकात मिल जाए। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नती जब अल्लाह के चेहरे का दीदार करेंगे, अपनी जो भी नेमतें और लज्जतें और जो कुछ महल्ला, ज्वेलरी, हूरें, बीवियाँ, जो कुछ सबको भूल जाएंगे अल्लाह की दीदार को, जब अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह का दीदार, इससे बढ़कर कोई इंसान को नेमत नहीं मिल सकती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर फरमाते हैं कि अपने सहाबा से, चांद देख रहे हो, चौधरी का चांद, कोई बादल, कोई अनक्लैरिटी है, कोई देखने में कोई तकलीफ़ है? कहा नहीं। कहा कि कल को तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इस तरह तुम लज्जत अपने महबूब को देखो, अपने महबूब से मुलाकात, अल्लाह ताला बंदे से मुलाकात करेगा, सलाम करेगा, और लोग अल्लाह के चेहरे को दीदार करेंगे। अल्लाह अकबर, कितना एक बेहतरीन मौका है। और ये शौक़ है। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम में से जो शख्स अगर दो ठंडी नमाज़ों की हिफाजत कर सकता है तो ज़रूर करें, और वो दो ठंडी नमाज़ें फजर और असर की। इसलिए बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं कि कुछ लोग होंगे जो कि आला किस्म के लोग होंगे, वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर सुबह शाम अल्लाह के चेहरे का दीदार करेंगे, अल्लाह से मुलाकात होगी रोज़। और से जो अगला लेवल है वो उन लोगों का है कि जो जुमे के दिन जो अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार करेंगे, अल्लाह से मुलाकात करेंगे, यानी हफ्ते में एक दफ़ा। बाद सहाबा से मौकूफ़ रवायत भी मिलती हैं कि जो जुम्मे में इमाम के जितने करीब होगा उतना ही वो अल्लाह के दीदार में भी करीब होगा। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह अपने चेहरे का दीदार अता फरमाए, और शौक वाली ज़िंदगी। तो बताइए रहा था कि जो शौक़ वाली ज़िंदगी है ना, तो वो एग्जाम्पल्स, वो मालदीव्स वाला रिज़ॉर्ट या वो मैरिज डेट, वो यानी प्री मैरिज या प्री मालदीव्स वाला रिज़ॉर्ट, वो लाइफ कंसिडर करें, इमेजिन करें कि वो एक्साइट। अब मुझे बताएं कि ये अल्लाह से मुलाकात, यानी आपको पता है कि एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, साथ साथ अल्लाह से डर भी है, अल्लाह का खौफ भी है, अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है, जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त है, ये सब कैफियत इंसान के दिल में है, लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी है। तो जब ये एक्साइटमेंट है तो वो एक दिन आने वाला है इंशाल्लाह, वो एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, अल्लाह से उम्मीद है। क्या ख्याल है मेरी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? ये पूरी एक्साइटमेंट वाली ज़िंदगी, मैं मारे खा लूँगा, फिर मैं लोगों की गालियाँ सुन लूँगा, कोई नहीं यार, कोई मसला नहीं है, मैं तो एक बड़ी चीज़ के लिए जी रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं इतना फोकस नहीं करता, बड़ा प्लान है, वो बीमारियाँ बर्दाश्त कर लेगा, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेगा।
इबादत में जो उसको तकलीफ है वो बर्दाश्त कर लेगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा अल्लाह की खातिर कि भाई एक दिन आने वाला है बस अल्लाह से मिलूँगा। तो ये अल्लाह की तरफ रगबत, अल्लाह का शौक, तो ये मुलाकात का जो शौक है ना अल्लाह ताला से ये मांगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा है वस्अलुकल्लज़्ज़ता नज़र इला वजहक व शौक इला लगाएक, अल्लाह तेरी मुलाकात का शौक का सवाल करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाह लिकाहू, कि जो शख्स अल्लाह से मुलाकात की मोहब्बत रखता है, अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात की मोहब्बत रखता है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह कोई मरना भी चाहता है यानी मौत को कौन पसंद करता है, मौत को तो हम पसंद नहीं करते। कहा कि आयशा इससे मुरा इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि जब इंसान फौत होता है इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसको अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह की रहमत, जन्नत की बशारतें दी जाती हैं, तो फिर वो अल्लाह से मुलाकात की शदीद मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह भी उससे मोहब्बत, अल्लाह से भी, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है। अल्लाहु अकबर, आप ज़रा सोचें, इमेजिन कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए कि मौत के वक्त हमें ये बशारतें दी जाए। हत्ता कि हदीस में आता है मौत के वक्त उसको बशारतें दी जाती हैं वगैरह वगैरह, वो कहता है रब्बी अक़िम अस्सलाह, अभी ऐ मेरे रब अभी क़यामत कायम कर दे, अभी कायम कर दे, उसको बशारतें, जन्नत दिखाई जाती है, उसका मकाम दिखाया जाता है, बशारतें दी जाती हैं, अभी कायम करते हैं, सब्र नहीं है, तो पूरी सब्र वाली ज़िंदगी गुजारी है ना कि अल्लाह तेरे तुझसे मिलेंगे इंशाल्लाह, तेरे चेहरे का दीदार करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाहु अकबर कबीर। तो अब ये अल्लाह से मुलाकात का शौक, मैं आपको कुछ सहाबा के वाक़यात सुनाता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि सहाबा अल्लाह से मुलाकात का शौक़ कैसा रखते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद थे अब्दुल्ला बिन हराम। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जिस दिन अगले दिन उहद की जंग लड़ी जानी थी उसे एक दिन पहले मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा मुझे नहीं लगता कि मैं कल तक जिंदा रहूँगा, यानी कल मुझे लग रहा है मैं शहीद कर दिया जाऊँगा अल्लाह के रास्ते में, सबसे पहले शहीद कर दिया जाऊँगा। तो जाबिर कहते हैं कि और जब हमने सुबह की तो हमने वाकई देखा कि मेरे वाले सबसे पहले शहीद कर दिए जा चुके थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यानी ये अल्लाह से मुलाकात की शिद्दत मोहब्बत कि बस मैं कल मिलूँगा अपने रब से, बेटे को भी बता दिया। बस जाबिर की बहनें थी, छोटी छोटी थी, बीवी बच्चे थे, छोटे छोटे थे, बाप ने ये नहीं देखा क्या अभी भी बच्चे छोटे हैं, मैं आगे जाऊंगा लड़ लड़ के शहीद हो जाऊंगा, चला जाऊंगा इस दुनिया से, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। अल्लाह से मुलाकात का शौक़, उससे मुलाकात का शौक़ पाला, बस वो देख लेगा पीछे मेरे पीछे क्या होगा, वो पाल अल्लाह पर तवक्कुल। तो अपने बेटे को कह दिया, बेटा मुझे लग रहा है ये शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जाबिर पता है अल्लाह ने तेरे वालिद से किस तरह मुलाकात की है, कैसे मुलाकात की है? अल्लाह की कसम फरमाते हैं कि अल्लाह ने किसी से पर्दे के बगैर बात नहीं की, यानी अल्लाह ताला ने किसी से भी बात की तो पर्दे के साथ की, पर्दे के पीछे की है। वकल्लमा अबाका किफाहन, और तेरे वालिद से अल्लाह ताला ने आमने सामने बात की, अपने सामने किफाहन, तेरे वालिद से जाबिर यानी अब्दुल्ला बिन हराम से तेरे वालिद से अल्लाह ताला ने सामने आमने सामने बैठ के बात की और कहा या अब्दी अल्लाह। वो मंजर देखें, ज़रा मंजर देखें, इमेजिन करें, अल्लाह ने अपने सामने अपने बंदे को अपने सामने बात की डायरेक्ट बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, अब्दी या अब्दी, ए बंदे तमन्ना अलैया, तमन्ना कर क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे? कहा अल्लाह वापस लौटा दे, शहादत की लज्जत इतनी है, वापस लौटा दे, तेरी राह में दूसरी दफ़ा कत्ल होना चाहता हूँ, तेरी राह में दूसरी दफ़ा शहीद होना चाहता हूँ। कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि वापस दुनिया में लौटे, तो फरमाया कि मेरी तरफ़ से अल्लाह इनको खबर दे दे, खबर दे दे मेरी तरफ से। अल्लाह से मुलाकात, अब अल्लाह एक बंदा जब दुनिया से रुखसत हो अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह अकबर। तो ये मोहब्बत जब बहुत ज़्यादा होती है ना तो ये मुलाकात का शौक़ होता है। यही उमैर बिन हम्माम, यही ग़ज़वा उहद में उमैर बिन हम्माम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कलिमात को सुनते हैं, कूमू इला जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द, खड़े हो जाओ सबके सब जन्नत के लिए जिसकी लंबाई
आसमान और ज़मीन, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, खड़े हो जाओ। उमैर बिन हम्माम कहता बखिन बखिन याल, यानी वाह क्या बात कही आपने या रसूलल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तू ये बखिन बखिन क्यों कह रहे हैं, यानी वाह वाह ये वाह क्यों कह रहा है तू। कहा कि या रसूलल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं उनमें से हूँगा, यानी जन्नत में से, यानी आज मैं शहीद कर दिया जाऊँगा। शिद्दत मुलाकात, अल्लाह से मुलाकात के शौक, हाथ में खजूरें थीं। कहा कि अगर ये खजूरें मैं खाऊँगा तो टाइम लंबा हो जाएगा। ये आई कैंट वेट फॉर दिस थिंग, नहीं आई कैंट वेट एनी मोर, आई वॉन्ट टू मीट अल्लाह, बस आई वॉन्ट पैराडाइज। खजूरें साइड में रखते हैं और मैदान कताल में कूद पड़ते हैं, लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो ये वो लोग थे कि जो अल्लाह से मुलाकात का एक अजीब शौक़ रखते थे, अजीब शौक़ था उनका। इसी तरह अनस बिन नज़र रदी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन नज़र जो थे वो ग़ज़वा बदर में किसी वजह से शरीक नहीं हो सके, तो बड़ा अफसोस हुआ उनको कि इस्लाम का पहला मार्का था और मैं इसमें शिरकत नहीं कर सका। अल्लाह से अहद कर लिया कि अगर अल्लाह ने मुझे अगला जिहाद में मौका दिया, लयरयन्नल्लाहु मा असनाऊ, अल्लाह देखेगा कि मैं क्या करता हूँ, अल्लाह देखे, मैं अल्लाह को दिखाऊंगा, मैं अपनी मोहब्बत प्रूफ करूंगा कि अल्लाह से मैं मुलाकात का कितना शौक, मैं अल्लाह से मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, अल्लाह देखेगा मैं क्या करता हूँ। है हम में से कोई कि जो दिखाए अपने अपनी मोहब्बत अपने रब को दिखाए, है कोई हम में से अल्लाह से इस तरह के अग्रीमेंट्स किए हुए कि अल्लाह तू देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, दीन की खिदमत में अपने आपको बिछा दें, इस उम्मत की खिदमत में, दावत तौहीद में, दावत दीन में, अपनी अताअत के जज्बे में लगा दें अपने आप को, वर्क टायरलेसली कंटिन्यूसली, स्ट्रगल, पुट योर एफर्ट इनटू इट, अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दें इसकी खातिर, अल्लाह की खातिर, अल्लाह को दिखाएं अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को दिखाएं कि अल्लाह तेरे अजाब का डर है, अल्लाह को कुछ करके दिखाएं। यार हमसे क्या है, अल्लाह की कसम अलमिया है, हमसे हराम बैंक की जॉब नहीं छूटती है, कहीं ना कहीं हम रुख्सत तलाश कर रहे होते हैं, कोई मुफ्ती साहब ऐसे मिल जाए कि जो मेरी इस हराम इनकम को हलाल कर दे। हमसे दाढ़ियाँ नहीं छोड़ी जाती, हमसे छोटे छोटे काम नहीं हो पाते। यार हम क्या अल्लाह के, हम क्या दावेदार हैं अल्लाह की मोहब्बत के और अल्लाह के, हम किस मुंह से ये दावा करेंगे कि अल्लाह मैं तेरे लिए क्या कर सकता। हमसे गर्लफ्रेंड्स नहीं, हमसे मूवीज़ और म्यूज़िक नहीं छूटता, हमसे ये पैंट पजामा, ये इस बाल यानी टखनों से ऊपर पैंट ही पजामा ये नहीं होता, दाढ़ियाँ नहीं रखी जा सकती हमसे, हमसे हिजाब नहीं होता, पर्दा नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ें ये, तो आगे तो बहुत बड़े काम है अल्लाह के लिए, हमसे ये चीज़ें नहीं होती। और हम क्या आगे जिहाद बिन नफ्स और अपने आप को, अपनी जान को अल्लाह के सामने रखेंगे कि जब मौका मिला तो अपनी जान को अल्लाह के लिए हाजिर कर देंगे, अपना खून बहा देंगे अल्लाह के आगे। हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज़, हम हराम इनकम नहीं छोड़ सकते, हम गाली देना नहीं छोड़ सकते, हम गीबत नहीं छोड़ सकते, म्यूज़िक नहीं छोड़ सकते, क्या तो क्या दिखाएंगे अल्लाह को, क्या जवाब देंगे। अहद करें कि अल्लाह तुझे मैं अपनी मोहब्बत, तो मैं तुझसे सबसे ज़्यादा बढ़ कर मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी मोहब्बत को प्रूफ करूँगा तुझे इंशाल्लाह, और तौफीक भी तू ही देगा अल्लाह, अपने आप से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तौफीक भी तू नहीं देनी है अल्लाह, करना भी तेरे लिए ही है अल्लाह, मुझे अपने लिए अपनी अपनी इबूदियत में, अपनी बंदगी में, अपने दीन की खातर खपवा दे, लगा दे अल्लाह तू मुझे। छोटी सी ज़िंदगी है, चली जाएगी, अल्लाह से मुलाकात से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो अनस बिन नज़र कहते हैं अल्लाह ताला देखे, अल्लाह देखेगा मैं क्या करता हूँ। ग़ज़वा अहद में आपको पता है बड़ी एक अफरा तफरी मची हुई थी, मच गई थी, मुसीबत थोड़ी सी तकलीफ़ आई थी मुसलमानों पर। तो अनस बिन नज़र देखते हैं साद बिन माज को, कहते हैं या साद कहाँ जा रहा है, साद कहाँ जा रहा है, अल्लाह की कसम मैं तो इस अहद के पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू को पा रहा हूँ। ये कैसे लोग थे कि दुनिया में चलते थे उनको, और फीलिंग उसकी उनकी आखरत की आती थी, इनके सेंस ऑफ फीलिंग यानी सेंस परसेप्शन फीलिंग्स अकीदा ईमानियत इतनी मजबूत थी कि चलते दुनिया में थे और फील आखरत को क्या करते थे, यानी जन्नत की खुशबू आ रही है,
जाबिर बिन अब्दुल्ला का भी, अब्दुल्ला बिन हराम का कि मैं कल चला जाऊँगा, शहीद हो जाऊँगा। ये कैसे लोग थे? बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में चलते दुनिया में थे, कदमों की आवाज़ जन्नत में आ रही होती है। यानी ये वो लोग, ये वो हस्तियाँ थी। और ये सिर्फ वो नहीं कि वो तो सहाबा, हम कहाँ भाई, क्या मतलब है, वो इंसान थे। हम क्यों ये गैप फील करते हैं कि यार वो तो वो थे और हम तो हम हैं? क्यों हम ये गैप फील करते हैं? क्या वो फरिश्ते थे? वो इंसान नहीं थे क्या? क्या सहाबा ये नहीं कह सकते थे कि ये तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल तो फिर कहाँ, हम तो कहाँ? भाई अल्लाह के रसूल बशर थे और अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए ही रोल मॉडल बना के भेजा ना, कि वो हमारे लिए उस्वा हसना है। तो फिर ये जो गैप हमें जो फील होता है, ये क्यों फील होता है? वो भी इंसान थे, हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल। तभी अगर अल्लाह ताला फरिश्ता भेजता तो फिर हम ये कह सकते कि वो काम का, लेकिन बशर थे वो, हमारे तरह इंसान थे, उनकी भी चलने फिरने हाजत थी जैसे कि हमारी हाजत हैं, उनकी ज़रूरियात वही थी जो हमारी ज़रूरियात हैं। तो लिहाजा ये गैप फील ना होने दें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से यारी लगाएं और ये इस एक्साइटमेंट, इस शौक अल्लाह वाली ज़िंदगियाँ गुजारें। तो फरमाते हैं कि अनस बिन नज़र के एहसास कहाँ जा रहा है, मैं तो पहाड़ के पीछे से बहुत की जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ। मैदान कहता अल्लाह से आहद किया था, अल्लाह से अग्रीमेंट किया था, अल्लाह देखेगा तू मैं क्या करता हूँ। ऊद पड़े, कताल किया, लड़ते रहे हत्ता के शहीद हो गए। जब जंग ख़त्म हो गई तो बाद में डेड बॉडीज़ को देखा गया, तलाश किया गया, अनस बिन नज़र की लाश नहीं मिल रही, देखा गया लाश नहीं मिली। उनकी बहन ने अनस बिन नज़र की लाश को उनकी उंगली के पोरों से पहचाना है। ये हाल हुआ था उनका, इतनी ऐसे लड़े थे वो, 80 से ज़्यादा उनके जिस्म पर तलवारों के वार थे, ऐसे बहादुर ऐसे लड़े थे वो, डट के मुकाबला किया था। अल्लाह से मुलाकात की शौक, ये वो मुश्ताकीन, अल्लाह से मुलाकात की शौक रखने वाले, अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखने वाले, ये वो लोग थे। तो लिहाजा अल्लाह के लिए कुछ कर गुजरें, अल्लाह से दुआएं किया करें, और इस पूरे सफ़र इल्लाह का ये एक ये गायत है कि अल्लाह तुझसे मुलाकात, तेरे चेहरे का दीदार, ये सब गायत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सफ़र में कामयाब करे। यकीनन ये सफ़र मुश्किल है, एफर्ट्स चाहिए, स्ट्रगल चाहिए, लेकिन इसका अंजाम अल्लाह से मुलाकात है। अल्लाह से मुलाकात ये वो नतीजा है, ये वो चीज़ है कि इसके लिए इंसान को पूरी दुनिया भी दाव पे लगानी पड़े, सब कुछ अपना देना पड़े, तो यकीनन ये बहुत कम है। ये अल्लाह ताला का जन्नत, ये अल्लाह ताला का एक मता है, अल्लाह ताला का सौदा है, और अल्लाह ताला का सौदा सस्ता नहीं है, बड़ा महंगा है। इस सौदे के लिए मेहनत करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको इस सफ़र में सही सलामत, और इस सफ़र में जो है ना, एक बात बहुत ज़रूरी है, अल्लाह से मदद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया, तेरी इबादत करते हैं और इस इबादत में तुझी से मदद तलब करते हैं। तो इस पूरे सफ़र में ये कभी भी अपने जहन में नहीं आने देना कि मैं इबादत कर रहा हूँ, मैं दुनिया से मोहब्बत नहीं कर रहा, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, नहीं, अल्लाह तौफीक दे रहा है, अल्लाह तू करवा दे, या अल्लाह ये हो रहा है, अल्लाह तू करवा दे। पल पल लम्हे से अल्लाह से दुआ मांगें, कोई चीज़ मुश्किल आ गई अल्लाह से मांगें, अल्लाह से इतना ताल्लुक़ होना चाहिए कि हर चीज़ में अल्लाह की तरफ रुजू करें। पर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका।